अलवर में 105 साल की रूपा देवी की अंतिम विदाई चर्चा में है। आरती को भी फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। शव यात्रा में बैंड बाजे पर बॉलीवुड के सॉन्ग बजाए गए। गांव में पहला मौका था जब महिलाएं भी शव यात्रा में शामिल हुई। मामला मालाखेड़ा के पृथ्वीपुरा गांव का है। 105 साल की रूपा देवी लता मंगेशकर की जबरदस्त फैन थी। परिजनों ने बताया कि वे उस दौर की थी तब वे ज्यादातर उनके गाने ही सुनती थी। कुछ दिन पहले लता दीदी की मौत की खबर सुन वे परेशान होने लगी। मंगलवार को जब उनकी मौत हुई तो बेटों और पोतों ने तय किया कि उनकी अंतिम विदाई में लता के गाने चलेंगे। इसे ग्रामीणों के सामने भी रखा। सभी की सहमति के बाद अंतिम यात्रा में बैंड बाजे पर बॉलीवुड सॉन्ग के साथ लता दीदी के ए मेरे वतन के लोगों और हम छोड़ चले हैं महफिल जैसे गाने बजाए गए। परिजनों ने बताया कि इस उम्र में भी उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। एक दिन पहले खाना छोड़ दिया जिसके बाद तबीयत खराब हो गई। दरअसल शव यात्रा में महिलाओं के जाने का रिवाज नहीं है, फिर भी रूपा देवी की अंतिम विदाई में गांव के सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। ग्रामीणों ने बताया कि रूपा देवी ने कभी परिवार से सेवा नहीं करवाई। इस उम्र में भी वे अपना काम खुद कर लेती थी। यहां तक कि गांव में सबसे ज्यादा कपड़े दान किए थे। आखिरी वक्त में उसने चारों बेटों को बुलाया और यही कहा कि मिलजुल कर खुश रहना। रूपा देवी का परिवार काफी बड़ा है, वे 7 पीढ़ियां देख चुकी थी। रूपा देवी के 4 बेटे हैं, 17 पोते, 34 परपोते, 6 सरपोते। महिलाएं अलग हैं, 3 बेटियों का परिवार भी अलग है। पूरे परिवार के सदस्यों की संख्या 150 के आसपास है। परिवार में 18 साल से अधिक उम्र के वोटर की संख्या भी 82 है। बड़े बेटे रामजीलाल की उम्र 80 साल है। 3 बेटे भी 70 साल से अधिक उम्र के हैं। इस परिवार की खासियत यह है कि गांव में सरकारी नौकरी में सबसे अधिक रूपा देवी के पोते पड़पोते हैं। कुल 15 लोग सरकारी नौकरी में हैं, जिसमें से 11 पुलिस में हैं। 4 अन्य सरकारी सेवा में भी हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।